नमस्कार भैया जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और भैया आज की बात करेंगे, आज की रेस पे लेते एक बार लाइन देख लो जी। चलो लाइन खींच के देखे भैया। हेलो भाई, और शुरू करेंगे वीडियो को। और इधर एक बार अपने मास्टर जी से बात कर ले। मास्टर जी एक मिनट आ जाओ बस, एक बार तो आपका स्वागत है जी। पहले तो एक बार पहले तो ये बता दो, रेस किस किस की हो रही है आज? रेस जो हो रही भाई प्रदीप मलांडी। अच्छा जी, योगेश पंडित खड़ा के बीच। बिल्कुल, मतलब इसमें दूरी 3200 मीटर है। अच्छा जी, यहाँ से छूट के और जी ये जाएंगे तेल पंप तक का, निशान लगे हैं दोनों साइड में, निशान दिखवा देना। बहुत बढ़िया। तो जो है रेस हो रही इसमें कोई रूल रेगुलेशन है वो बता दो एक बार, जो है कोई दिक्कत ना हो बाद में। रास्ता दिया जाएगा भाई, कोई सा भी झोंका के रह जाए। मोटरसाइकिल बीच में नहीं हटने की, दोनों झोंकों के बीच में रहो चाहे कैसा भी रहो, झोंके के अगले वाला झोंका रास्ता देगा। बिल्कुल रास्ता देगा। और एक बार आपका परिचय भी हो जाए छोटा सा, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैदान में लॉन्च नहीं हुए। मैदान में मिलेंगे, मैदान में जल्दी आवेंगे जी। और भैया मौज ले जी, एंजॉय ले वीडियो का। आज थोड़ी देर बाद बात कराऊंगे, झोंके भी दिखाऊंगे और बहुत ही बढ़िया रेस होगी जी आज। तो विजय भाई ठीक हो? तो देखे जी काफी बढ़िया। और इधर अपने भाई भी आगे देखे हैं, और काफी बढ़िया बात है जी, सारे भाइयों का परिचय लेंगे। ठीक हो नहीं सु भैया, एक बार छोटा सा परिचय हो जाए आपका। परिचय होगा सब भाइयों के सामने, खेल होगा। आप मोहताज नहीं वैसा परिचय के? नहीं, परिचय के मोहताज है। झोटे छुटेंगे और निष्पक्ष रेस होगी। और आपका मैच कब मिला एक बार बता दो भाई। नीसू भाई का मैच देखना है, मजा आया जी पूरा। टेम आवेगा। और देखो भैया आज रेस कैसी हो, चलो एंजॉय करो, जाओ देखो क्या होगा आज। तो भैया दिखाऊंगे जी। तो परीक्षित भैया ठीक हो जी? परिचय हो जाए एक बार। सचिन लाख रेस देखने आ गई जो अड्डे में। तो रेस बढ़िया हो जी। और आपका नाम भैया? मोहित। रोहित, वैसे क्या कह दे आपको ये बता दो? टाटा। तो टाटा कह दे भाई को। और देखा टाटा भाई रेस कैसी होगी जी आज? मोटरसाइकिल धूम में पूरे निकाल लीजिए। तो रोक लो। अच्छा देखे जी भैया, और सारे भाई बने रहे हैं वीडियो में। अभी झोटे दिखाओगे और बिचोले से ही बात करवाओगे। और यहाँ से न पाएगी जी बस 3200 मीटर दूरी, रेस अच्छी हो जी। क्या भैया पिड्ढा आ गया है जी, और अभी एक दो भाई से बात कराऊंगा। पहले भैया आपका परिचय हो जाए जी एक बार आज, जाड्डा हो रहा परिचय दो। नाम सचिन है। सचिन है भाई, शौक है जी आपको पूरा? नहीं भाई, थोड़ा है। हाँ है ही नहीं बस। अच्छा मतलब वैसे ही आगे? हाँ वही आगे। देखे जाड्डे में, अच्छा गुड़ बनवाना आए थे, बहुत बढ़िया। देखा गुड़ के साथ रेस भी देख लो। बहुत बढ़िया। तो एक बार भैया आपका परिचय हो जाए जी। उज्जवल सिंहवाल का। उज्जवल गांव सिंहवाल का। और भैया जैसे आज रेस है, इसमें रेस किस किस की है जी? भाई उत्तम बंती खेड़ा। अच्छा जी, प्रदीप मालैंडी, विनोद सिलावत। अच्छा मतलब ये नाम है? हाँ दो, एक दब है उत्तम बंती खेड़ा। बहुत बढ़िया। तो विजय भाई आप भी रेस देखने आगे जी? हाँ भाई। तो मुझे लगा बराबर की रेस में पहली बार आए जी। विजय भी भाई भी जाऊ जा जी रेस में। और काफी विजय भाई का भी लंबी रेस के बहुत तकड़े जोटे हैं जी दो। और पिड्ढे आगे जी लाइन पे, अभी सारे भाइयों से भी बात करवाऊंगे आपकी। देखे इधर, वाह भैया वाह, माहौल बन रहा जी रेस का। और झोटे ही बस आई ली लाइन पे लगभग, तरीके से रेस होगी। और अंकित मास्टर जी सिंभालका वाले भाई बिचौलिया हैं जी उसमें अपने भाई। और इधर बहुत ही भाई आ रहे। तो भैया आप कहाँ से आ रहे जी? कहाँ से जी? बनत। अच्छा बनत सारे रेस देख नहीं। अच्छा जी, अच्छा तो किसकी तरफ सारे जी आज? अच्छा सिलावर वालों की। तो देखिए भैया रेस कैसी होगी जी, और रेस बढ़िया ही हो जी, हम तो यही चाहेंगे। बाकी अभी झोटे दिखाऊंगे जी आपको। तो सारे भाई बने रहे, देखिए मौसम भी बहुत ही बढ़िया। देखिए भैया झोटे आ गए जी दोनों ही। रोक ले रोक ले, तो रोक ले, रोक कवर अपन खड़ी कर लो। और ओ इधर डॉक्टर साहब ठीक हो जी? पहली रेस है जी बराबर की, बढ़िया हो गया, हम तो इच्छांगे। बाकी बात करेंगे अभी, झोटे उतार जान दो एक बार। देखिए जी इधर झोटे उतरेगा जी, अब जो उधर सिलावर वाला, इधर बंती खेड़े वाला।
तो एक बार उत्तम भैया से बात करेंगे। तो उत्तम भाई स्वागत है जी। स्वागत। तो आज जाडा ज्यादा मान रही दिखा जी। तो पहले तो आपको बधाई हो, पहली रेस मिल गई जी आपकी बराबर की और रेस बढ़िया हुआ है। इसमें एक बार दूरी बता दो क्या कुछ है फित्ते की, कैसे फित्ते की और बिचौलिया अच्छा दो ऐसे बिचौलिया इसमें। तो इसमें कोई दिक्कत ना, वैसे कोई रूल हो आपके दिक्कत नहीं, प्यार प्रीत की रेस है। मोटरसाइकिल का कोई मैटर, मोटरसाइकिल दूसरे जोटे को रास्ता दिया जाएगा, रास्ता दिया जाएगा, बिल्कुल प्यार की भाग है और प्यार की भाग होगी, कोई दिक्कत नहीं होने की। जोटा उतर के आ गया देखे भैया, मीना जोटा है बहुत बढ़िया। वाह भैया वाह, नया जोटा है भाइयों से एक बार बात करवा दूं मैं, सिलावर का जोटा है भैया। एक बार पहला आपको स्वागत है जी आपका, एक बार अपना परिचय दे दो मेरे भाई, हल्का सा परिचय दे दो। रोबिन फौजी, गांव मलैंडी से है। तो वैसे जो जोटा है इसमें पहले कहीं रेस खेली भैया? तो काफी नया जोटा भैया, तो आराम से आराम से आराम से काफी। तो इससे पहले भैया एक बार ये बता दो टूर्नामेंट खेली हो कोई? तो बिल्कुल नया जोटा है, तो सबसे नया जोटा भैया और बराबर की रेस में इसकी आज एंट्री होगी जी। देखिए काफी बड़ी बड़ी अंकों को, सोना जोटा के मालिश बजरी जी। सुमित भाई ठीक हो? तो रेस में आगे जी आज अड्डे में, तो देखा भैया रेस कैसी होगी जी? तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया भाई आ रहे जी यहाँ पे सभी और मालिश बजरी दबा के। और इधर अपने भाई रोनित भाई, तो रोनित भाई कितनी दूर पड़े आपका गांव यहाँ से? तो जाड्डे में तो पूरी पूरा हो रहा। और देखे रेस कैसी होगी भैया? बढ़िया हो जी दोनों ही जोटे काफी बढ़िया। और इधर बड़ा नाम भूरा भाई सैनी, तो एक बार इधर आ जाओ भूरे भाई, इधर आ जाओ। हाँ जी भाई, तो पहले तो भूरे भाई आपका स्वागत है जी आज जाड्डे में। 80-85 किलोमीटर दूर आए जी रेस देखने, तो रेस कैसे कुछ होने वाले? दोनों जोटे के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो जी, आपको तो पता होगा दोनों नवे जोटे हैं बराबर, क्योंकि बराबर की रेस पहली बार ही मिली दोनों जोटों की, तो रेस बढ़िया होगा जी हम तो इच्छांगे। आप दो शब्द कह दो जी कुछ, जो ज्यादा भागेगा वही जीतेगा। और बाकी देखे पब्लिक बहुत बढ़िया, इधर अपने भाई सिवा इल्लम भी और इधर नीसू भाई भी, नीसू भाई से तो एक बात और करेंगे इधर। तो ये करवा जो पूछा बिल्कुल आप शब्द नहीं। तो नीसू भाई ये बताओ आज रेस कैसी होने वाली जी? बेईमानने की होगी बिल्कुल, निष्पक्ष और बिचौले बहुत ही बढ़िया भाई हैं। तो रेस जड्डे में एंजॉय लो जी रेस का। और इधर जुगनू भाई भी ग्रुप में पूरा हंगामा करते रहे जी आजकल। बताओ साहब रेस के बारे में बताओ कुछ। के बारे में 5 मिनट में दोनों पैसे भाग लेंगे, भी लग जाएगा 5 मतलब जो है 3 किलोमीटर दूर 3200 मीटर है। तो फित्ते की है या बाइक की है? यहाँ बाइक की भागी, फित्ता के 3200 मीटर की। हाँ ये अभी बात ठीक कह रहे तुम, तो देखे जुगनू भैया रेस कैसी होगी जी? बढ़िया बढ़िया हम भी यही चाह जी। ओ ये आगे योगेश, योगेश बंती खेड़ा, अलग ही टसन है जी जोटे का। तो योगेश भैया जैसे ये रेस मिल रही, तो ये रेस आपके नाम से डलेगी या उत्तम भाई के? अच्छा कैसे डाल दो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जी काफी शानदार, इधर अपने भाई सन्नी खेड़ी कर मुँह, कभी कभी रेस मांगे जी भाई सन्नी खेड़ी कर मुँह। अजी हाँ बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, देखे भैया अपने भाई। तो नमस्कार छोटू भैया, थिएटर रे जी पूरे भाई जाड्डा पूरा हो रहा, रेस में मजा आ गया, गर्माहट आ जाएगा जी। देखो क्या होता है, देखे कैसी रेस होगी भैया, मजे लो भैया जिंदगी के भी और रेस के भी। बाकी मालिश बजती हुई देखे भैया, बंती खेड़े वाला जोटा। इधर अपने राजीव चचा, स्वागत है जी आपका जड्डे में भाई, बढ़िया। रेस कैसी कैसी होगी जी? बढ़िया होगी। आपका कोई मैच आ रहा हो जल्दी? ना मैच की हमारी है। अच्छा आपकी है अभी? बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, देख के कैसी रेस होगी आज? बढ़िया होगी, दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। बढ़िया है जी और काफी बढ़िया, धन्यवाद जी। और भैया जोटे का शरीर दिखा दो एक बार आपको, देखिए
देख के इधर अपने भाई अधिनीर भी आ रहे जी, काफी बढ़िया रेस होगी जी आज तो। ये तो घंटे वाले में बराबर में रहेगी तो इसकी भी। छोटू भाई खेड़ी करू तो मैच कैसा होगा भैया? बढ़िया जी, बढ़िया ही होगा मैच। हम तो ऐसा तो कोई दो शब्द कहना चाहोगे बढ़िया से कि आपकी रेस का कुछ है टूर्नामेंट में हिसाब वो बता दो। भाई टूर्नामेंट खेल लेंगे, कोशिश कर रहे हैं अपनी, कोशिश कर रहे हैं। और बढ़िया ही, जो ट्रक नट था उस दिन अच्छा होता गेम। देखिए भैया यार, थोड़ा सा रास्ता दे दिए, रास्ता दे देंगे, बिल्कुल दे दिया आप।
बीन रुक रहा बहुत तगड़ा भाग रहा जी भाई बंदा
योगी ओ योगी भैया एक मिनट रुक जाओ हड्डी देखे भैया मीना जोटा आज की रेस का बिल्कुल आपके आगे पहले वीडियो बनाई गई थी मैंने आपसे पूछा भी था बिल्कुल बिल्कुल बता गया था अगर तूने कभी फेंक दिया दूसरे के आगे तो दूसरे को जीत दे दी जाएगी बिल्कुल दूसरे के रास्ते पे जाकर रेस भगवा रहे कुछ जिम्मेदारी हो गई तो भगवा सही बात है और ईमानदारी की रेस अगर हम नहीं करेंगे तो क्या फायदा बिल्कुल एक नंबर की चोलों की ढाल हम तक दूसरे के पैसे दूसरे को देते हैं जो ईमानदारी है उस पर पैसे देंगे भैया ईमानदारी पे मतलब पैसे देंगे सब अब ईमानदारी क्या निकल के आई है ईमानदारी है भैया झूठे के आगे मोटरसाइकिल अड़ी हुई है आपके नियम में तय क्या था एक बार वो बता दो भाई रास्ता क्लियर दिया जाएगा दूसरे झोटे को मतलब कि पिछले झोटे का ट्रैक खाली रहेगा साइड से दिया जाएगा जो नहीं दिया गया तो हमारी पब्लिक एक मिनट जैसे कि भाइयों का आपसे सभी से बैठ के क्या समझौता निकला समझौता यही है भाई जो आपने फैसला लिया वो इसी तरीके से लिया जाएगा जो चीज आपकी तय है तय के ऊपर अच्छा जी ठीक है जी तो आपस में मार्शल विवाद ना बने विवाद कुछ नहीं बनने का ईमानदारी की रेस करवाओगे हमने तो पहले से ईमानदारी भैया जो बिचौलिया बनता है वो किसी एक पार्टी का तो बनता नहीं दोनों की सहमति से बने सहमति से बनेगा तो फैसला भी दोनों के उससे ही लिया जाएगा जी बिल्कुल लिया जाएगा भाई बिल्कुल तो निर्णय ले लिया आपने निर्णय ले लिया जी भाई बनती खड़े वालों को जीत दे दी गई शील्ड ले आओ जी शील्ड लेके आ रहे जी देखे भैया कड़क फैसला लिया गया बहुत ही जाडा आज है जी अरे नहीं मास्टर साहब आज पहले इसे बात कर लेने दो पहले भाई भाई एक मिनट चुप हो जाओ चुप हो जाओ भाई एक बार आ जाओ सारे आ जाओ तो जैसे आज की रेस थी तो इसका निर्णय बता दो जी एक बार जैसे इसमें पहले दो बिचौले थे कौन कौन थे वे बताओ भाई जी बिचौले हुए थे इसमें चार नाम उसका भाई रामवीर अच्छा जी विनोद की रेस थी अच्छा जी अरे हरिंदर हरिंदर किस गांव के थे देवेंद्र सिरसी खेड़ा अच्छा जी हरिंदर पेड़ के वाला हाँ जी आप इसमें तो आधे पैसे मेरे पर रखे गए थे अच्छा जी और जिम्मेदारी भी मेरी थी भाई रोड की कि भाई रोड पर पुलिस ना बिल्कुल जी बिल्कुल भाई झोटे तो के आगे मोटरसाइकिल सबके आओगी अगर यू आगे दूसरा निकट जाता है इसकी साथ भी रहती लेकिन हमने तय करी थी अगर मोटरसाइकिल दूसरे के आगे अगर रास्ता ना दिया गया तो दूसरे को जीत दे दूंगा तो अपने बातों पे बिल्कुल रहे जी आप भाई जी बिल्कुल बिल्कुल मानने की दौड़ बिल्कुल नहीं कराई जाने की कोई बेमान बताओ जाग रहे तो दुनिया है सही बात है जी बिल्कुल हमेशा कटाक्ष हो ऐसी बात और आपने अभी एक बात और कही की रेस दोबारा भी भगवा देंगे रखी थी बात अगर कुछ पैसे जमा करते हैं इन्हीं पैसों से उधर से ही आई थी अभी बात बिल्कुल तो पहले आज इसका निर्णय ले लो निर्णय दे दिया भाई बनती खेड़े वाले इसमें जीत बिल्कुल जी आप अपने नी आप अपने नियमों पे अरे चाचा गलत तो वे बोल ले पहले गलत तो वे बोल तो और बुला ले बुला ले झोटू तब आज मतलब सारी बात फिर वही बात है हमने जो चीज तय की हमने उसके ऊपर नहीं साफ बात है और भी है अबे सफेद चौथा किसकी कड़ी ताला मैं बेमानने की बात नहीं कहने का मैं करूंगा नहीं सही कह रहा बा मास्टर जी था सही कह रहा था हमने रबड़ तो ठोक दी थी बढ़िया नहीं है सहमति उसमें ये बता रहे कि ये मोटरसाइकिल तो हड्डी पर ही नहीं पता किसकी है ये झोटे वालों की है भाई साहब किसी कारण हम रेस भगाना चाहते हैं तो अभी
वो तो आज भगाओ कल भगाए वो तो झूठे वाले हैं। तो किसी काम वाले कहते हैं कि रेस। भैया जी सुनो मेरी बात, मैं आपको बता दूं, मेरा जो रास्ता बैठा है वो 2800 मीटर का रास्ता बैठा है, जो मेरे हजूर का बैठा है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, उनकी 3200 मीटर दूरी है, वो मुझे दूसरे रास्ते पे ले जाकर भगाने पड़े। अच्छा, मैंने आपने भी देख लिया होगा, पुलिस तो नहीं आई वहाँ, कोई विवाद हुआ कुछ नहीं? प्रशासन का कोई, प्रशासन की तरफ से कोई वो विवाद नहीं रहा? जिम्मेदारी ली थी तो जिम्मेदारी मैंने पूरी करी, पर लेकिन झोटे वालों ने पूरी नहीं करी। जब यूँ कह देता मोटरसाइकिल का झोटे वाला बोलता हूँ, सुनने में ये आई है जी कि पहले एक एक मोटरसाइकिल था। नहीं जी, एक एक कुछ नहीं थी, एक एक तो बनाई गई है, बाद में ही नहीं पता था कि बनती खेड़े वाला झोटा मोटरसाइकिल से भाग गए, उस वजह से ये बात आई थी। सुनने में मेरे ये भी आया है कि बनती खेड़े वालों का बुलेट से जेब खावे। भाई जी जेब नहीं खाता, मैं आपको बता दूं, मोटरसाइकिल कोई सी भी हो, अगर आप गाड़ी तो रास्ता झोटा नहीं निकलने का। देखो टूर्नामेंट झोटा भागा हुआ कोई सा भी हो, मैं आपको कह रहा हूं बल्लिया हो, असल में मोटरसाइकिल में डाल। देखो पशु बहुत समझदार होता है जी जी, जब पशु अभी इंसान तो दिमाग से काम कर रहा है, पशु बहुत समझ के चले थे जी जी। पशु के सामने जब हम कोई भी चीज ऐसी वाहन या कुछ ऐसा अड़ामेंगे तो पशु जोर नहीं लगाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। खेल बनवाया ईमानदारी के तौर पर बनवाया था, ये ऐसा नहीं कि हमें पैमाना ना भाई। भाई दोनों खेल बढ़िया हो ना, हमारी इच्छा सिर्फ एक थी, इसमें ये विवाद कर रहे दूसरी पार्टी तो उसमें मैं नहीं। चलो रे, विवाद करने से कोई फायदा नहीं। तो अब इनाम वितरण करेंगे, देखें उत्तम आ जा। तो थोड़ी जंग ऐसी कर दो भैया, चोड़े चोड़े से बोलो, पीछे बोलो, पीछे पीछे बोलो। कहने का मतलब ही आ रहा है, लंबे जोर से आ जाए। पहले तो देखो जी, सभी भाइयों को जीत की बधाई हो, आप तो तो कुल मिला के मास्टर साहब ये जीत नियमों के आधार पे दी गई, नियमों के आधार पे दी, बिल्कुल सही दबाव मैं कहनी दे रही। सही बात है जी, आपको दबाया गया, ठीक है भाई, मैंने निष्पक्ष जीत दी है। बहुत बढ़िया जी, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए आज के समय में, सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सभी भाइयों को राम राम जी, अरजीत की बधाई हो। तो इसमें लक्ष्मी क्या कुछ थी भैया? लक्ष्मी एक एक लाख रुपए की रेस थी, 70,000 रुपए मैंने इन्हें दे दिए भाई। बिल्कुल जी, एक सेकंड, एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी भाई, मैंने यह तय करी थी अपनी खुद की, मेरा मानना था अगर हमारी बाइक उसके आगे अड़ती तो मैं उसे हटवा देता, मैं बुग्गी पे बैठ रहा था। यह बात मैंने, ये बिचौलवा थे हमारे भाई अंकित, इन्हें यह बात मैंने कह दी थी भाई, बात साफ होनी चाह। अरे देखो, दंड की अगर सजा मिलेगी तो दंड हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं, बिल्कुल ये आगे भी ऐसे रहेगी, दिक्कत ये है मैं ऐसे बीच में बराबर भी कर देता उसको, कोई निष्पक्ष एक तरफ फिर वही रह गया था ड्रामा के लिए, आगे भी मोटरसाइकिल लड़ती झाड़ के बिचौलवा तो भाई आज दूसरों को पीछे भगवा का पैसे देंगे दोबारा भगाने को, सही बात, बाइक के भी भाग जाएगी, बिना बाइक के भी भाग जाएगी जी, यही दूरी, यही दूरी। हां आप तैयार हो? सहमत हो? सहमत हो? बिल्कुल। बिचौलिया सपोज करो वे कहते हैं हमें ये नहीं रखना दूसरों रखना है, तो आप सहमत हो? एक बात तो बताओ, पशु तो दुश्मनी है क्या कुछ, उसके आगे भाई खड़ा का पटाखे मारे जा रहे हैं, वो कहीं हमारे क्षेत्र का ही वैसा है, दूसरा भी भाई वो बाहर का वैसा है, मारा ही है वो भी मारा ही है। हम बेमानना तो जिप करेंगे किसी का वैसे का है, वो पक्ष कहता है जी बिचौलिया चेंज करें, तो जी आप सहमत हो? बिचौलिया बिचौलिया ईमानदार होना चाहिए, हमारा तो यही है। नहीं, मास्टर जी ने बहुत ही बढ़िया बात कह दी आज, सारी बातें खोल दी हैं कि भाई जो भाई अगर चाहता है रेस भगाने के लिए तो भाई भगा सकता है। तो उत्तम भाई जीत की बधाई हो जी आपको, छोटू भाई उत्तम भाई जरा जाओ एक बार। तो आपकी पहली रेस थी जी, जोटा बेहद बढ़िया भागे दोनों ही, ऐसा नहीं कि वो जोटा बेकार भागा, बहुत ही शानदार दौड़ा वो भी, पर नियम के आधार पे मतलब बिचौलिया ने सही काम करा जी, ये बता दो मतलब कि जैसा आजकल की दौड़ हो रही जी है भाई, आजकल की दौड़ होने लगी, बेईमानी की दौड़ होने लगी, मतलब आप करते हैं बात कुछ, जो नियम मानक तय करे गए उन पर रहना चाहो, उन पर रहना चाहो बहुत बढ़िया, और नियम आपके ये भी देगी अगले जोट पिछले जोटे का ट्रैक खाली रहना चाहो, अगले जोटे को सब दिखना चाहो आगे का। हम मान लेते हैं अगर उसकी साइड पर हमारा जोटा उसके पीछे रहता, बिल्कुल हमारा जोटा तो अहिंगे को भी बचा, दूसरी डब को बचा, जब दोनों डब आई कड़ा रखी, बिल्कुल सही बात है। छोटू भाई कड़ा सकते थे, छोटू खेड़ी करमू भाई भी थे वहाँ पे, सही घटाई आगे जाएगा जोटे को छोड़ कर आगे जाएगा बाइक, जो मेरे भाई थे मेरी गैर, हाँ जी मैं बाइक हटवाने भी गए, जब भी बाइक नहीं हटी इरादे ताड़ा ही हटेगी के, जब भी बाइक नहीं हटी, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखें जी आज की रेस भैया, उत्तम बंती खेड़ा और विनोद सिलावर की, देखें शील्ड, देखें शील्ड दिखाओ, बहुत मोटी नाइट की है, वाह जी वाह। तो धन्यवाद उत्तम भाई, अच्छा खून भी निकल गया आपका तो घरुआ के,
दबाओ में लेना चाह रहे तब भी चोलवा नहीं आने के दबाओ में धूम माओ भैया बेमाना करण जाने के खून आपके साथ हत्ता पाई हुई क्या कुछ हाँ बुढ़का भर गया हाथ पे खिलाफ वाले बहुत बढ़िया भैया तो ऐसे आजा भाई एक बार ऐसा सुनने में आ रहा जी यहाँ तो कुछ दबदबा सा भी हुआ हल्का मोटा अच्छा देखे भैया अपने विजय भाई गांव सिंबालका से और इधर उत्तम भाई और उधर उज्जवल भाई आ जाओ जी सारे आ जाओ एक बार तो नीसु भाई आपकी बाइक शायद गिर भी गई थी जी चोट तो नहीं लगी आपके तो लगी पर जीत होगी बहुत बढ़िया सही बात है जी आपकी बहुत बढ़िया बात लगी और बाकी बिचौलिया साहब ने बहुत अच्छा निर्णय दे दिया जी हाँ जी मोटरसाइकिल आपकी रेस भी दो दिन भागी दिखा थी जी दो बार दिन तोड़ रखे एक बात और कहना चाहिए हाँ जी जो बिचौलवा बने एक ही बार दौड़ फाइनल हो जो मानक है उन पे तो अगर दूसरा हटता है जीत दूसरे को वाह जी वाह क्या बात कह दी बहुत बढ़िया उत्तम भाई पशु है यही ना चार चार बार छेद चार चार बार छेदते हैं जी बिल्कुल सही बात है वो भी पशु है जी बहुत बढ़िया चलो 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 होगा 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 भैया नाम आपका भाई अंकुर कालखंड तो रेस कैसी हुई जी रेस में मजा ही तो आएगा तोड़ होगा ओ ये योगेश निरपुड़ा दो तारीख में एक पशु हुई तो झोटे की दौड़ कब दिखाओगे जी अपने वाले की आज ही चलो आज ही चलेंगे जी तो नीसु भाई दो शब्द कह दो आज की रेस के बारे में दो शब्द कह दिए बिचोल वो दिन भी निष्पक्ष करता जीत रहा था दो शब्द है तो ब्लड बोल रहा बेईमान ना जी हाँ नहीं निष्पक्ष हुई भाग बहुत बढ़िया हुई तो तारीख में खड़ा बेईमान ना बराबर दो राजीव चाचा से पूछेंगे जी अभी एक बार राजीव बावली सर से पूछेंगे जी तो राजीव बावली हम एक बार क्रॉस कर ले जी यहाँ पे एक बार बता दो जी रेस के बारे में कैसी रही आज की रेस ठीक रही तो जीत किसे दे दीजिए आज भाई मुझे नहीं पता किसे रही हाँ आपको नहीं पता आप यही नहीं थे जी हाँ ये बताइए तो नू बताया जी बदनी खेड़े वाले को जीत दे दी गई नियमों के आधार पे बिल्कुल जी बाकी ठंड में मजा आया जी रेस माँ के पूरा मजा नहीं आ पाया जी देखे वैसे झोटे दोनों सुपर भागे बाकी ऐसे ही कहते झोटा बहुत बढ़िया भागे जी दोनों ही हाँ जी धन्यवाद जी भैया और हाँ जी गुड़का बतावे जी गुड़का बढ़ लिया भाई के तो भैया वीडियो बतावे जी कैसी लगी आज की रेस और सुपर भाग्य जी दोनों ही झोटे बाकी नियमों के आधार पे जीत दे दी गई नमस्कार भैया और वीडियो को लाइक करें।